दोस्तों, वे लोग बहुत ही खुशनसीब होते हैं जो अंतरिक्ष में जाकर हमारी पृथ्वी को देख पाते हैं। हम सब अंतरिक्ष में जाकर पृथ्वी को तो नहीं देख सकते, लेकिन हम अपनी टेक्नोलॉजी की मदद से ये जरूर देख सकते हैं कि अंतरिक्ष से पृथ्वी कैसी दिखाई देती है। वहीं पर दूसरी तरफ ब्रह्मांड को बारीकी से जानने के लिए हमने आउटर स्पेस में इंटरनेशनल स्पेस टेलीस्कोप वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 जैसे कई सारे आधुनिक उपकरण भेजे। इनकी वजह से हम अलग अलग तरीके और ज्यादा से ज्यादा दूर डिस्टेंस से पृथ्वी को देख पाते हैं। उनकी मदद से हमें ये जानने को मिलता है कि हमारी पृथ्वी अन्य ग्रहों से कैसी दिखाई देती है। दोस्तों, हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पृथ्वी की सतह से लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। ये स्पेस स्टेशन 24 घंटे पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से खींची हमारी पृथ्वी की हाई रेजोल्यूशन फुटेज है। यहाँ से हमारी पृथ्वी के सातों समुद्र कॉन्टिनेंट और उनमें घूमने वाले बादल साफ साफ दिखाई देते हैं। यहाँ से रात में पृथ्वी के बड़े शहरों की लाइट बेहद चमकीली और खूबसूरत दिखाई देती है। कुदरत ने हमें एक नेचुरल सैटेलाइट भी दिया है जिसका नाम चंद्रमा है। चांद हमारी पृथ्वी से लगभग 3 लाख किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पृथ्वी से देखने पर चंद्रमा हमें एक सफेद और चमकीले आकाशीय पिंड की तरह लगता है। अब तक चांद से पृथ्वी की बहुत सारी इमेज खींची गई है, लेकिन चांद से ली गई सबसे क्लीन और सबसे फेमस इमेज सन 1972 में अपोलो 17 मिशन के दौरान खींची गई थी, जिसमें साउथ अफ्रीका का दक्षिणी हिस्सा और हिंद महासागर देखा जा सकता है। दोस्तों, जैसे कि हमारी पृथ्वी पर सुबह को सूरज और शाम को चांद निकलता है, वैसे ही चांद पर भी आप पृथ्वी निकलती हुई देख सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि हमारी पृथ्वी पर सुबह को सूरज और शाम को चांद निकलता है, वैसे ही चांद पर भी आप पृथ्वी निकलती हुई देख सकते हैं। सालों से हम मंगल पर ये जानने के लिए मिशन भेजते आए हैं कि क्या भूतकाल में वहाँ पर भी जीवन था और क्या भविष्य में वहाँ जीवन पनप सकता है। इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए हमने मंगल पर जो रोवर्स भेजे, वहाँ से उन्होंने हमारी पृथ्वी की तस्वीरें भेजी। सन 2003 में मंगल ग्रह से हमें हमारी पृथ्वी की लाइव इमेज मिली और इस तस्वीर में हमें हमारी पृथ्वी और उसके पीछे हमारा चंद्रमा दिखाई दे रहा है। इसके बाद 2007 में मंगल से हमारी पृथ्वी की हाई रेजोल्यूशन इमेज मिली। ये दोनों ही इमेज ऑर्बिट्स ने भेजी थी। मंगल ग्रह के सरफेस पर घूमने वाले एक रोवर ने हमें वहाँ के सरफेस से पृथ्वी कैसी दिखाई देती है उसकी तस्वीर भी हमें भेजी। ये किसी अन्य ग्रह के सरफेस से पृथ्वी की खींची गई इतिहास की सबसे पहली तस्वीर थी। दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं कि सोलर सिस्टम के अन्य ग्रहों से पृथ्वी कैसी दिखाई देती है। सूरज के सबसे करीबी ग्रह मरकरी से हमारी पृथ्वी ऐसी दिखाई देती है। यहाँ से पृथ्वी बहुत चमकीली दिखाई देती है। जुपिटर ग्रह, जुपिटर से हमारी पृथ्वी कुछ इस तरह की दिखाई देती है। जुपिटर से हमारी पृथ्वी करीब 7,707 मिलियन किलोमीटर दूर है और यहाँ से पृथ्वी एक छोटे से ब्लू डॉट की तरह दिखाई देती है। ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा गैसीय ग्रह है, सैटर्न ग्रह। सैटर्न अपने रिंग्स के कारण फेमस है और ये इनकी वजह से बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। वैज्ञानिकों ने शनि ग्रह पर एक स्पेसक्राफ्ट भेजा था, लेकिन ये स्पेसक्राफ्ट शनि ग्रह में मौजूद रेडिएशन के कारण नष्ट हो गया। लेकिन नष्ट होने से पहले उसने हमारी पृथ्वी की इमेज भेजी, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये शनि ग्रह और उसके रिंग्स के बीच में डार्क स्पेस के थ्रू खींची गई पृथ्वी की इमेज है। यहाँ से हमारी पृथ्वी 1.2 बिलियन किलोमीटर दूर है। प्लूटो ग्रह से पृथ्वी, दोस्तों प्लूटो ग्रह से पृथ्वी की तस्वीर वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट ने खींची थी। प्लूटो से पृथ्वी कुछ इस तरह की दिखाई देती है। दोस्तों, हम इंसानों के द्वारा बनाई गई कोई चीज जो अंतरिक्ष में अब तक सबसे दूर तक गई हो, वो है वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट। वॉयेजर 1 हमारे सोलर सिस्टम के पार डीप स्पेस में चला गया है, लेकिन डीप स्पेस में जाने से पहले वैज्ञानिकों ने उसके कैमरास पृथ्वी की तरफ कर दिए थे। वॉयेजर 1 के द्वारा खींची गई पृथ्वी की ये आखिरी तस्वीर थी। वॉयेजर ने ये तस्वीर पृथ्वी से 6 अरब किलोमीटर दूर से खींची थी। आउटर स्पेस से खींची तस्वीर में ये जो छोटा सा डॉट दिख रहा है वो हमारी पृथ्वी है। वहाँ से पृथ्वी सुई की नोक के बराबर दिखाई दे रही है, लेकिन वॉयेजर ने इसे झूम करके हमें दिखाया है। हमारे सोलर सिस्टम के बाहर भी अन्य बहुत से सोलर सिस्टम मौजूद हैं और इनमें बहुत से ऐसे ग्रह मौजूद हैं जिन पर जीवन मौजूद हो सकता है। इसी का पता लगाने के लिए वैज्ञानिकों ने इसे भेजा था। हमारे सौर मंडल के बाहर ऐसे ऐसे ग्रह मौजूद हैं जो हमारी सोच से भी अच्छे हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि वो अभी तक हमारी नजर में नहीं आए। इन्हीं का पता लगाने के लिए हमारे वैज्ञानिक नए नए मिशन करते रहते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। मिलते हैं अगले वीडियो में।